तो दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और एक नया व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी। आज हम लोग सिलीगुड़ी का चाइना मार्केट और भी बहुत सारा मार्केट में जाने वाले हैं और भी बहुत सारे जगह पे जाने वाले हैं। तो ऐसे ही आज हम लोग का जर्नी का वीडियो और सिलीगुड़ी का एक सिटी व्लॉग होने वाला है। तो चलो, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगा, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो मैं हूँ सिलीगुड़ी का जो जंक्शन है, जंक्शन का ऑपोजिट दिल्ली होटल के सामने। यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ सिलीगुड़ी का जो एयरपोर्ट मोड़ है उस जगह पे जाने वाला हूँ। उस जगह पे जाने के बाद जाने वाला हूँ वेनस मोड़ पे, उस जगह पे भी कुछ काम है। तो चलो अभी रास्ते में मिलते हैं। और क्या, तो अभी मैं हूँ महानंदा ब्रिज के ऊपर, सिलीगुड़ी का महानंदा ब्रिज। तो यहाँ पे कुछ केमिकल दिखाई दे रहे रिवर के ऊपर, जो सैंड स्टोन है सब फल किया जा रहा है। ये सब जितना जल्दी हो सके रोकना चाहिए, सब मुझे जितना लगता है। मतलब तो बहुत दिन से मैं ये सब देख रहा हूँ, इससे पहले भी मैं तो सिलीगुड़ी में आया था ये चीज़ देखा जाए। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ महानंदा ब्रिज पास, यही कि अभी तक पहुँच करने के बाद ही मैं आ चुका हूँ। महानंदा ब्रिज पास करने के बाद ही मैं आ चुका हूँ यहाँ भी बोल सकता हूँ। सिलीगुड़ी में कुछ सिलीगुड़ी में थोड़ा बहुत भीड़ है, पूजा के सामने भीड़ तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो गाइस, अभी मैं हूँ गोल्डन प्लाजा के सामने, ये चाइनीज़ मार्केट है। यहाँ पे आप लोगों को जितना सा चाइनीज़ सामान है सब कुछ मिल जाएगा इस जगह पे। तो अभी इस जगह से हम लोग जाएंगे अभी वेनस मोड़ की तरफ, वेनस मोड़ पर भी कुछ काम है। तो उस जगह पे जाने में तो टोटल डे सिलीगुड़ी में ही बीतने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ही जाम है, देख सकते हो, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इतना जाम है। हम लोग जाएंगे सीधा झंकार मोड़ होके सिलीगुड़ी के अंदर जाएंगे, झंकार मोड़ होके महाविस्तार होके हम लोग सिलीगुड़ी के अंदर जा सकते हैं, दूसरे भी जगह से जा सकते हैं। देखते हैं कौन सी रोड से जाने से बेहतर रहता है, कौन सी रोड पे जाम कम रहते हैं उसी रोड से जाने की कोशिश करेंगे। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखो कुछ क्लिप के साथ म्यूजिक एंजॉय करो। हाल फिलहाल मैं तो हूँ अभी वेनस मोड़ में सिलीगुड़ी, और यहाँ पे बहुत ही जाम है इस जगह पे फिलहाल। और मतलब पूजा का बाजार है तो थोड़ा बहुत तो जाम होगा ही, वो कोई बात नहीं है। मतलब पूजा की वजह लग चुके हैं सिलीगुड़ी पे। अभी मैं इस जगह से जा रहा हूँ फिर से गोल्डन प्लाजा में, कुछ सामान खरीदा था उस जगह पर, वो सबको लेना है। तो लेने के बाद फिर हम लोग को जाना है हम दो लोग हॉस्पिटल, उस जगह से फिर वो और एक जगह पे जाना था, उस जगह से अभी नहीं जाएंगे, उस जगह से सीधा घर जाएंगे। ऐसे ही कुछ बात है। तो अभी टाइम दो बज के 30 मिनट हो चुका है। तो गाइस, बात करते करते अभी हम लोग आ चुके हैं सिलीगुड़ी जो मार्केट में है, मार्केट में सामने आ चुके हैं। तो अभी हाल फिलहाल अभी तो जा रहा हूँ आगे और मार्केट में घुमा रहेगा सुबह को। तो अभी बात करने से उतना ज़्यादा सुनाई नहीं देगा, हवा के वजह से मुझे जितने लगता है। जाने के लिए सोचे आनंद लोग नर्सिंग होम पे, वहाँ पे कुछ मतलब पूछताछ करना है, पता करना है एक चीज़ के बारे में, उस जगह पे जाना है। उसके बाद अपनी काम नहीं है सिलीगुड़ी में। आज बहुत ही जल्दी हो गया है, नौ टाइम अभी फायर भेजी। चंपाकड़ी मोड़ पे इस मार्केट का कुछ नज़ारा है, जाम से अटक चुके हैं अभी तो जाम थोड़ा के आगे जाके कुछ कैमरे में जाने का। Oh,
दोस्तों फिलहाल तो मैं हूँ लगभग नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर के सामने। तो मैं एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ आज के वीडियो में कि नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर के सामने इतना गंदगी है ना, उससे इतना बदबू निकलता है ना, मतलब कोई एक सुस्त व्यक्ति उस जगह पे दो मिनट ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, इतना बदबू निकलते। मतलब नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर उसके सामने इतना बदबू, वो किसी का ध्यान में नहीं आता। और एक बात बोलना चाहूँगा कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी जो है उसका सामने भी एक बहुत ही गंदगी वाला जगह है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और क्या बताओ, आज के वीडियो में जो साउंड है वो बहुत ही बेकार सा आ रहा था कैमरा से, मुझे पहले तो पता नहीं था क्योंकि कैमरा से सुनने से तो साउंड ठीक ही लग रहा था, तो एडिट करने के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि साउंड ऐसा आ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में नया कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।